अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। मेरे साथ आज चौधरी परवेज अलाई बैठे हुए हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ मेरे पास महमूद खान जो कि पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। तो हमने आज बड़ा अहम फैसला करना है और मैंने अनाउंस करना है। तो मैं ये चाहता था कि आज मैं अपनी कौम के सामने पहले ये रखूं कि हम इस स्टेज पे पहुंचे कैसे हैं, कि हम सिटिंग गवर्नमेंट्स हैं, हमारी अपनी गवर्नमेंट्स हैं, हमारा अपना राज है यहां, लेकिन हम क्यों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम समझते हैं कि अगर हमें अपनी गवर्नमेंट्स भी कुर्बान करनी पड़े इस मुल्क के अंदर, जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे, साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, हम सबको आज खौफ है कि मुल्क डूब रहा है। मैं आपको वो पाकिस्तानी होते हुए बता रहा हूं जिसने सारी बाहर कमाई की, 20 साल बाहर पैसे कमाए, सब कुछ बेच के, जो फ्लैट था वो बेच के, मनी ट्रेल दे के, अदालत में ये बता के मैंने वो किधर से पैसे लिए, जो भी मेरा आमदनी किधर थी, फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर वो बेचा, फिर मनी ट्रेल, सब कुछ मेरा आज जीना बन रहा पाकिस्तान में। और मेरी तरह के सारे वो पाकिस्तानी, और मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो कि इस मुल्क से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं अपने मुल्क से, मैं उन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो चोरी करके इस मुल्क का पैसा बाहर भेजते हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, बिजनेसेस बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, बड़े बड़े महलात बाहर हैं, यहां के चोरी के पैसे से बड़े बड़े शाहाना उनका जिंदगी है, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका इस मुल्क से क्या रिश्ता है, और मैं बाकी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं जो समझते हैं कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, और मैं उन पाकिस्तानी में से हूं जिसको पूरा मौका था कि 20-25 साल बाहर मैंने क्रिकेट खेलता था, मेरी शादी भी वहां की, मैं वह पासपोर्ट ले सकता था, बरतानिया का पासपोर्ट ले सकता था, लेकिन ये मेरे कभी जेहन में ये चीज नहीं आई कि मेरा पाकिस्तान के अलावा कोई और घर है। तो मैं आज उस वो पाकिस्तानी आज बात कर रहा है कि मुझे पहली दफा खौफ, मुझे खौफ आ रहा है कि ये जो चोरों का टोला ऊपर बिठाया गया है ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मैं आज कोई पाकिस्तान के बिजनेसमैन से पूछ ले, कोई इंडस्ट्रियल से पूछ ले, पाकिस्तान के किसानों से पूछे, पाकिस्तान के मजदूर से पूछे, जिसकी आज आमदनी और उसका जो खर्चा है उसमें अब कोई बैलेंस ही नहीं रहा, 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई हुई है आज पाकिस्तान में। आज हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो इंडस्ट्री जो हमारे दौर में बड़ी मुश्किलों से तीसरे और चौथे साल में हमने मेहनत करके इंसेंटिव दे के इंडस्ट्री बढ़ाई, जो कि हमारे आखिरी महीने में 26% इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जो टोटल इंडस्ट्री थी 10.7% पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में ग्रो कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, हमारे टैक्सेस बढ़ रहे थे रिकॉर्ड, क्योंकि दौलत में इजाफा हो रहा था, टैक्सेस में इजाफा हो रहा था, रिकॉर्ड टैक्सेस इकट्ठे किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हमने की। मैं मुझे फखर है कि मैंने अपने किसानों की मदद की, 4.5% पे हमारा ज़राअत के अंदर ग्रोथ हुई, इजाफा हुआ, हमारी 4 फसलें 2 साल रिकॉर्ड फसलें हुई पाकिस्तान में, क्यों? हमने किसानों की मदद की। आज वो सारा जो पाकिस्तान वहां लेके जा रहे थे, आज मुझे एक चीज बताएं, एक चीज मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसी में बेहतरी हुई है। आज मायूसी का ये आलम है मेरे मुल्क में कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं 7 महीने में, इनमें प्रोफेशनल्स हैं,
इस मुल्क ने उनके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ था। डॉक्टर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, इंजीनियर्स थे, स्किल्ड वर्कर, जो तनख्वाह जो स्किल्ड वर्कर होता है, 7.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के चले गए मायूसी में। आज ये आलम है, इस मुल्क को आज इधर हम ले आए हैं कि डाकू राज ऊपर बैठ गया है। 30 साल से जो लोग लूट रहे थे उनको आके ऊपर बैठा दिया। मेरा सवाल है सबसे पहले ये है कि जब ये मुल्क तरक्की कर रहा था, हमने पहले साल इन्हीं यही छोड़ के गए थे, यही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क का जब दिवालिया निकाल के गए थे 2018 में, उस पाकिस्तान को हमने पहले संभाला। फिर 2 साल कोरोना के बावजूद जो सारी दुनिया के अंदर अजाब आया हुआ था, सारी दुनिया की मायशत तबाह हुई, आप अमेरिका का हाल देखें, बर्तानिया का देखें, जर्मनी का देखें, हमारे से वो मुल्क जिनके इदारे हमारे से बहुत बेहतर थे, हिंदुस्तान का हाल देखें, उसके अंदर पाकिस्तान वो मुल्क था जो दुनिया के टॉप 3 मुल्कों में से, हमने वो भी संभाला, हमारी मायशत भी ऊपर गई, हमारी इंडस्ट्री भी ऊपर गई, हमने बेरोजगार होने से लोगों को बचाया, हमने इंडस्ट्रीज को पैसा दिया, इंसेंटिव्स दिए, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मदद की ताकि रोजगार मिले लोगों को, हमने उस दौर के अंदर पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट थी, और मैं ये चाहता हूं आप सारे जो मैं ये चीजें आपको कह रहा हूं अपने मोबाइल फोन से चेक कर सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। अब तो झूठ बोलना बड़ा मुश्किल है, मोबाइल फोन है, आप गूगल करें आपके पास 2 मिनट के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो दौलत में इजाफा हुआ था वो 5% या 7% था हमारे तीसरे साल कोरोना के बावजूद, और 6% था हमारे चौथे साल। अब ये भी मैं आपको आज बता दूं कि ये सिर्फ 3 दौर में ये इस तरह की हम पाकिस्तान की दौलत में इजाफा हुआ, ग्रोथ रेट हुई, अयूब खान के दौर में, जनरल जिया के दौर में और जनरल मुशर्रफ के दौर में। लेकिन वो क्यों हुआ? क्योंकि हम तीनों दफा हम अमेरिका की मदद कर रहे थे। एक दफा हम अफगान जहाद में शामिल थे जनरल जिया के जमाने में, फिर वॉर ऑन टेरर में शामिल थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, अयूब खान के दौर में हम किस में शामिल थे, सीटों और सेंटों में उनके साथ मिले हुए थे जबकि कोल्ड वॉर हो रही थी, अमेरिकन डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तब उनकी ये ग्रोथ रेट हुई थी। हम, और मुझे फख्र है इस चीज का कि उसके बावजूद कि हमारे पास कोई अमेरिकन डॉलर्स नहीं आ रहे थे, हमने अपनी इकॉनॉमी को उठाया और ये जो 17 साल के बाद बेहतरीन हमारी इकॉनॉमी उठ रही थी। तो मेरा आज सवाल यह है, कौन जिम्मेदार था इस रिजीम चेंज का? आप सारे मेरी आज बात गौर से सुने, जब आपकी मायशत बढ़ रही थी, कौन क्या वजह थी कि इस गवर्नमेंट को गिरा के और इन चोरों के टोलों के ऊपर बैठाया गया? कौन इसका जिम्मेदार था? कौन जवाब देगा कि आज वो इकॉनमी जो हमारी ऊपर जा रही थी उसकी जगह आज पाकिस्तान के वो हालात हैं जो बाहर की दुनिया कह रही है? भूलें जो पाकिस्तान के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, जो बाहर की दुनिया वो कह रही है कि पाकिस्तान को अगर कर्जे देंगे तो वो कर्जे वापस करने का जो डिफॉल्ट रेट है वो 100% है। जब हम थे इक्तदार में तो 5% था। तो आज 100% का मतलब कि अगर आप पाकिस्तान को कर्जा देंगे तो 100% चांस है कि पाकिस्तान कर्जा वापस नहीं कर सकता। इसका मतलब कि बाहर से ना कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। अभी एक साल के अंदर, चंद महीनों बल्कि 10 महीनों के अंदर आधी हो गई है बाहर से इन्वेस्टमेंट, पिछले साल और अब के मुकाबले में आधी हो गई है। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट बंद होगी, इसका मतलब बाहर से डॉलर्स आने बंद हो गए इन्वेस्टमेंट में। रिमिटेंसेस जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हमने मदद की थी, उन्होंने हमारे में एतमाद शो किया था,
हमने उनको इंसेंटिव्स दिए थे। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहां डॉलर्स भेज रहे थे। और फिर एक्सपोर्ट्स जो ये नून लीग के दौर में 5 साल बढ़ी नहीं, मुझे फख्र है कि हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स 33 अरब डॉलर की पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। और फिर हमने टैक्स कलेक्शन, जो मैं अभी कह रहा हूं कि आमदनी होगी तो लोगों पर पैसा खर्च किया जाएगा। तुम्हारी 6,100 अरब रुपए की हमारे जमाने में टैक्स कलेक्शन थी, आज ये सब कुछ नीचे जा रहा है। इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमारे जमाने में, और जमाने की बात करो 7-8 महीने पहले, फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिलता था, बाहर से लाना पड़ता थे, रिकॉर्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सेल थी। तो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। आज हमारे मुल्क का यह हाल है कि ना बाहर से किसी को इत्मीनान है इस हुकूमत के ऊपर, और 88% पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमें इस हुकूमत पर इत्मीनान नहीं है। तो मेरा सवाल पहला, मेरे दो सवाल हैं आज। पहला तो सवाल यह है कि जब बाहर से पैसा ही नहीं आ रहा और हमने अपने कर्जे की किस्तें वापस कर दी है डॉलर्स में, हमने जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो डॉलर्स में किए हुए हैं, जो कैपेसिटी पेमेंट है चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो पिछली हुकूमत ने साइन किया वो डॉलर्स में किए हुए हैं, डॉलर्स में पैसे देने हैं। तो जब डॉलर्स आ ही नहीं रहे पाकिस्तान में और कम हो गए आना, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा? एक ही उम्मीद लगाई हुई है उन्होंने कि किसी ना किसी तरह जाके चाइना के पैर पकड़े या हम IMF के पड़े कि हमें वो पैसे दे दें, लेकिन वो भी, वो तो कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से है, वो तो थोड़ी देर आराम आएगा, फिर कर्जे तो बढ़ते जा रहे हैं। तरीका सिर्फ एक था, जो हमने कोशिश की कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो। जब आपके मुल्क की दौलत में इजाफा होगा तो आप कर्जे वापस करेंगे। तो आगे तो इनके पास कोई रोड मैप ही नहीं है। हम इन अगर तो चले, अगर ये बड़ा अच्छा इन्होंने हमारी मईशत को संभाला होता तो हम आराम से इनके साथ कहते चले ठीक है अपना टाइम पूरा कर लें, लेकिन मुल्क तो नीचे जा रहा है, हर चीज नीचे जा रही है मुल्क में, और मुझे खौफ है कि ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। यानी अभी भी हम LCs, हमारी LCs है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी भी हम पैसे जो बाहर के हमारे जो हमने लाइबिलिटीज हैं अभी तक हम अब वो भी पैसे नहीं दे रहे। तो सवाल ये है कि इनके पास क्या रोड मैप है? कोई रोड मैप नहीं है। ये सिर्फ एक चीज यह चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को डिले करें, इसलिए नहीं कि इन्होंने मईशत को उठा देना है, ये इसलिए डिले करना चाहते हैं कि ये खौफ ज्यादा है इलेक्शन से, इनको डर लगा हुआ है कि जब भी इलेक्शन होंगे इन्होंने हार जाना है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इलेक्शन में हार जाना है इसलिए ये इलेक्शन नहीं कर रहे, और ये इलेक्शन डिले करेंगे, और मैं ये समझता हूं कि ये अक्टूबर में भी नहीं इलेक्शन करवाएंगे। कोई ना कोई इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिला हुआ है, एक बड़ा बददियानतदार आदमी है वो इनके साथ मिला हुआ है, और वो इनको तरीके से बताएगा कि कैसे इलेक्शन डिले किया जा सकता है। इसी इलेक्शन कमीशन ने जब गए सुप्रीम कोर्ट में, जब हमारी गवर्नमेंट गिरा रहे थे ये, तो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जब हम गए तो वो मान गए थे कि इलेक्शन हमने कहा इलेक्शन करवा दो, वो मान गए थे। इस इलेक्शन कमीशन ने वहां जाके कहा कि जी मैं 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकता, और उसकी बेसिस पर इलेक्शन नहीं हुए। आइन, पाकिस्तान का आइन कहता है कि इलेक्शन कमीशन को सारा वक्त तैयार होना चाहिए 90 दिन में इलेक्शन करवाना, और मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कोशिश करेगा इनके साथ मिलकर कि किसी ना किसी तरह ये इलेक्शन खींचे। इनको कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, रुपया गिरता है इनके पैसे डॉलर में, इनकी दौलत में इजाफा होता है। इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर मुल्क नीचे जाता है तो इन्होंने तो फिर बाहर चले जाना है।
ये तो हमेशा जब मुश्किल आती है इनको पर कोई केसेस होते हैं बाहर भाग जाते हैं। तो लेकिन मेरा जो सवाल है कि कौन जिम्मेदार था इसका, किसने एक चलती हुई हुकूमत जो अच्छी बली जो मैं खुद आपको बता रहा हूं और ये आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, मैं नहीं अगर कह रहा तो आप खुद देख सकते हैं, उस हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार रहा इसका? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे, आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि फौज के ऊपर फौज को बुरा नाम ना आए। हम सब समझते हैं कि इस मुल्क को जो मेरी तरह के लोग आजाद जहन के लोग हैं, हम तो अपनी फौज को चाहते हैं मजबूत हो, हमारी तो सारी पूरी कोशिश है कि मजबूत फौज हो ताकि हम आजाद मुल्क रह सकें, तो इसलिए हम चुप करके बैठे रहे और ये सारे तमाशे देखते रहे कि कैसे साजिशें हुई, कैसे लोगों को बताया गया। मैं आपके सामने जरा एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई शक है कि हुआ क्या, तो पहले तो इलेक्शन से पहले हमारी हुकूमत गिराने से पहले चार नून लीग के जो बड़े नाम हैं उन्होंने क्या कहा, उनसे जब पूछा गया कि जनाब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो सकती है एस्टैब्लिशमेंट के बगैर, और ये उन्होंने कहा जरा ये सब, अब मैं चाहता हूं पहले सब देखें कि ये जो सारी साजिश हुई थी इसमें हम किसी को और को ना कहें, एक आदमी के फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इन्होंने ये फैसला किया हमें हटाने का, क्या वजह थी इसके पीछे, क्या इनको, क्या ये समझ रहे थे कि वाकई शहबाज शरीफ और ये इसहाक डार कोई बड़े जीनियसेस हैं जो आके मुल्क को हमारे से बेहतर चला लेंगे, क्या वजह थी कि इन्होंने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिरा दिया, हमारे लोगों को आके वो जिस तरह अभी मुस्तफा कोकर ने बताया कि बैप के मेंबर्स और एमक्यूएम के मेंबर्स और शहजान बुख्ती सबको पता था कि ये तो जो जिधर हुक्म मिलेगा इनको एस्टैब्लिशमेंट से उन्हें उधर जाना है, तो उनको उधर जाके भेज दिया कि जनाब आप जाके उधर चले जाए और गवर्नमेंट गिर गई। तो मेरा अगला सवाल यह है, जब गवर्नमेंट गिर गई और फिर इनको ये चीज का इल्म हुआ कि अवाम हमारे के साथ आके खड़ी हो गई, 10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों के ऊपर निकलाई, लोगों ने इन चोरों को रिजेक्ट कर दिया, बल्कि हमारी मकबूलियत बढ़नी शुरू होगी इसलिए कि लोग इनकी जब शक्लें लोगों ने देखी, फिर से मुसलत किया गया इनको अवाम के ऊपर, तो लोग हमारे साथ और जुड़ना शुरू हो गए, बड़े बड़े जलसे शुरू हो गए, उसके बाद इलेक्शन जब करवाए गए तो इलेक्शन के रिजल्ट्स में इसके बावजूद कि पूरी कोशिश की गई स्टेट मशीनरी इसको इनको जिताने के लिए, उसके बावजूद हार गए, कौम ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें भी हार गए। लेकिन मुझे जो अफसोस की बात है कि बजाय एक समझे कि जनाब जनरल बाजवा आपने गलती कर दी है, आपको अकल कुल तो नहीं है, आप देख रहे हैं कि लोग किधर खड़े हैं, इन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किया, जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ में मैं ऑपोजिशन में था, मुझे उन्होंने जेल में डाला, मैंने कहीं इस तरह का जुल्म नहीं देखा जनरल मुशर्रफ के दौर पे जो ये जनरल बाजवा ने हमारे पे करवाया। हमारे लोगों के ऊपर धमकियां, टेलीफोन से धमकियां आ रही हैं, वो जो हमारी हमायत करे या जो हमारे साथ मीडिया के लोग हों उनके ऊपर धमकियां, जो मीडिया हाउस था सलमान इकबाल वो मुल्क से बाहर चला गया, उसके बाद साबिर शाकर मुल्क से बाहर चला गया, आज मोईन पीरजादा मुल्क से बाहर गया हुआ इसी खौफ से, अरशद शरीफ, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है उसको जो धमकियां दी, क्या वजह थी उसकी? वो एक दयानतदार आदमी, वो बता रहा था कि इस मुल्क के साथ क्या जुल्म हुआ है, कि अच्छी बड़ी गवर्नमेंट आपने गिरा के चोरों को बैठा दिया, तो बजाय ये कि करेक्ट करना हमारे ऊपर जुल्म शुरू हो गया। और जुल्म की इंतहा यह थी
कि सोशल मीडिया के लोगों को उठा उठा के ले जाते थे, उनको मार फेंटा लगा के तो अगले दूसरे दिन घर वापस भेजते थे, धमकियां देते थे कि आगे से किया तो ये होगा। जो आजम स्वाति से किया, जो उससे पहले जो शहबाज गिल से किया, कौन सी उसने इतनी बड़ी बात की थी कि उसको नंगा करके मारा, और वो अभी तक उसके असरात हैं जो उन्होंने उसको तशद्दुद किया उसके ऊपर। और आजम स्वाति ने क्या बात की थी, आजम स्वाति ने ये ट्वीट की कि जनरल बाजवा आपने एनआरओ 2 दिया, इसके ऊपर जो उस बेचारे से किया गया, कौन सी जमहूरियत में यह होता है। और वो बात कि जो सच है, एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी कौम को पता है, मुझे पता है कि मैं जब कहता रहा, जब मैं गवर्नमेंट में था, मैं जनरल बाजवा को कहता रहा कि ये 30 साल से चोरी कर रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नैब आपके नीचे है, आप नैब कंट्रोल करते हैं, मेरे नीचे ही नहीं है, क्यों नहीं इनके केसेस आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हमें सारा वक्त ये बताते रहे कि फिक्र ना करें सर, हो रहा है सब कुछ, सर अभी कुछ हो रहा है, पहले तो हमें यह बताते रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि इनकी तो कोई नियत ही नहीं है करप्शन की। मुझे फिर कहना शुरू हो गए कि जी आप मुल्क की इक्तसादियात को ठीक करें, इकॉनॉमी को ठीक करें, भूल जाए इसको, ये अकाउंटेबिलिटी को। कभी कोई मुहज्जब माशरा ये इजाजत देता है कि बड़े बड़े लोग जो अरबों रुपए की चोरी करें, आप कहें उनको भूल जाए, उनको एनआरओ दे दें, और आप छोटे छोटे चोरों को पकड़ना शुरू करें और समझे कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। क्या चीन पागल है जिन्होंने 450 वजीरों को जेलों में डाला है पिछले चंद सालों में? क्या जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उसको स्टेट्समैन माना जाता है? उसने वो काम कर दिया जो दुनिया में किसी ने किया ही नहीं है। 70 करोड़ लोगों को उसने गुर्बत से निकाला है चाइना में पिछले 30 सालों में। वो उसका क्या जरूरत पड़ी है कि जो करप्ट मिनिस्टर उनको पकड़े, उनका एहतसाब करे? क्योंकि कोई माशरा भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक आप बड़े बड़े लोगों को जो असल तो नुकसान उनको बड़े चोर करते हैं, आप उनको पकड़ नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि नीचे से ये बेचारे छोटे छोटे लोगों पटवारियों को पकड़ते रहे। और ये हमारे सामने हुआ, शहबाज शरीफ को बचाया गया, इसको ऊपर ओपन एंड शट केस था इसका, 16 अरब रुपए का ये जो एफआई का केस था, इसे तो इसमें तो कोई शक ही नहीं था। और इसका जो बेटा बाहर भाग गया, आज जो सलमान शहबाज वापस आया है, वो क्यों बाहर भागा था? जैसे ही एफआईए ने उससे सवाल पूछा कि जनाब बताइए मकसूद चपरासी और नौकरों के पास अरबों रुपए किधर से आए, वो एकदम उनसे बाहर भाग गया। और उसको इन सारों को वापस लाया जा रहा है। क्या हुआ इसमें, कोई शक है कि एनआरओ 2 दे के इस सारे मुल्क का एक जनरल मुशर्रफ ने नुकसान कराया था, एनआरओ 1 का इस मुल्क ने भारी कीमत अदा की, उसकी 4 गुना ज्यादा हमारा कर्जा चढ़ाया इन्होंने 10 सालों में लूटमार करके। अब फिर जब इनके ऊपर केसेस थे, 1100 अरब रुपए के केसेस हैं, वो इन्होंने फिर उनको एनआरओ 2 दिलवा दिया। तो कौन था इसका जिम्मेदार, किसने ये किया था? जनरल बाजवा ने किया था। मैं आपको चीजें इसी तरफ दिखाना चाहता हूं कि कैसे कानून इन्होंने बनाया जिसमें बचे लोग, जिसमें हर किसी को बचाया गया। इन्होंने जनाब नैब लॉ की सेक्शन 4 में अमेंडमेंट की, उसके अंदर ये फैसला, उसके अंदर कौन बचते हैं? राजा परवेज अशरफ बच जाते हैं और शायद खाकान अब्बासी बच जाते हैं। फिर उन्होंने एक और किया बेनामीदार की डेफिनेशन सेक्शन 5E, उसमें मरियम नवाज पाक होकर निकलाई सारी चोरी से। फिर उन्होंने सेक्शन 9 जिसके अंदर शहबाज शरीफ बच जाते हैं, और उस जिसके अंदर के अगर आप किसी और के नाम पे, यानी अगर आप मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपने खानदान के नाम पे चीजें लू, तो इसका मतलब कि आप जवाबदेह नहीं है। तो जो टीटी के सारे केसेस थे शहबाज शरीफ के, वो उससे पाक हो गया। फिर सेक्शन 14 कि आपको बताना पड़ता है कि अगर मेरे पास कोई बाहर एसेट्स हो, यानी इंग्लैंड में मेरी जगह हो या कोई बाहर हो अमेरिका में हो, तो अगर ये पता साबित हो जाए कि ये मेरी जगह है,
तो मुझे बताना पड़ता है कि ये मैंने किधर से पैसा आया इसको खरीदने के लिए, वो इन्होंने साफ कर दिया। अब नैब बताएगी कि इनके पास पैसा किधर से आया। यानी हर दुनिया के अंदर अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है बताने के लिए कि अगर मेरा कोई बड़ा महल मैंने खरीदा हुआ है, मुझे बताना पड़ता है पैसा किधर से आया। इन्होंने वो कानून ही खत्म कर दिया, चुन चुन के। आसिफ जरदारी भी इसमें साफ हो गया, चुन चुन के वो लोग जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, उन सारों को उन्होंने पाक और साफ कर दिया। ये असल वजह मायूसी की आज पाकिस्तान में। लोग जिन्होंने ये तमाशा देख रहे हैं कि एक तरफ कौम मर रही है इस महंगाई के अंदर और फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी की कर्जे चढ़ते जा रहे हैं एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की इनकी करप्शन माफ हो रही है, और ये बहुत बड़ी वजह आज मायूसी की। और मैंने ये जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ, मैं सिर्फ उसके ऊपर आना चाहता हूं कि मुझे एक जगह बताया गया जनरल बाजवा ने कि जी आपके लोगों के ऊपर हमारे पास तो फाइलें हैं उनकी करप्शन की, उनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, उनकी वीडियोज बनी हुई हैं। अब मैंने उनसे भी कहा कि क्या ये हमारी एजेंसीज का काम है कि हम वीडियोज बनाए और गंदी वीडियोज बनाई या किसी के ऊपर कोई उसके ऊपर फाइलें बनाए? क्या ये काम रह गया? क्या ये कौम अपना पेट काट के अपनी एजेंसीज को पालती है, अपनी सिक्योरिटी के लिए पालती है? वो तो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए पालती है। क्या ये उनका काम है आके बताए कि जनाब इसके ऊपर ये फाइल है तो हमने उसकी फलानी फाइल बनाई हुई है और हमने उसके कोई वीडियो बनाई हुई है? ये किधर होता है? ये अपने लोग। अच्छा, और मैं कोई मुल्क का दुश्मन हूं? 50 साल से कौम मुझे जानती है, सारे पाकिस्तान के अवार्ड्स मैंने जीते हुए हैं, सिविल अवार्ड सब जीते हुए हैं। मैं सबसे बड़ा पाकिस्तान का वो, यानी जो जिसे कहे कि जो खराती काम करता है, किसी ने पाकिस्तान में इतने पैसे नहीं इकट्ठे किए जो मैंने किए। मेरे ऊपर हर किस्म का गन। ये सोचे कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरे घर का फोन टैप किया हुआ वो था, और वो टैप ही नहीं किया, उसके बाद वो लीक्स करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के घर कोई ये नहीं पूछ रहा कि इतना ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट नंबर को टैप करें और उसको जाके आप पब्लिक कर दें? कोई ये क्या होता है? अगर मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात कर रहा हूं, वो इन्होंने टेप चला दी, वो कौन कर रहा था? तो मैं फिर से ही पूछता हूं, हम कोई मुल्क के दुश्मन हैं क्या? मैं कोई पैसे लूट के मेरे बाहर पड़े हुए हैं क्या? मैं कोई मुल्क से गद्दारी कर रहा हूं? लेकिन जो हमारे से किया गया और आजम स्वाति से जो किया गया, उसकी बीवी को वीडियो भेज दी, यानी इस लेवल पे नीचे गिरना था कि उसके घर वीडियो भेज दी उसकी, और ये कहना, ये कहा कि जनाब, और डराया गया कि तुम्हारी फैमिली सेफ नहीं है। और कसूर उसका ये कि वो कह रहा है कि NRO2 जनरल बाजवा ने दिया है, सारी बच्चा बच्चा कौम जानती है कि NRO2 जनरल बाजवा ने दिया है, NRO1 मुशर्रफ ने दिया है, सबको पता है। उसके ऊपर इतनी सजा, एक सेनेटर को, उसको उठा के, हार्ट का पेशेंट है आजम स्वाति, उसको कभी वहां भेज रहे हैं, क्वेटा भेज रहे हैं उस ठंड में, सिंध भेज रहे हैं प्राइवेट जहाज में, कौन सा जुर्म किया उसने? और क्यों, अगर आपने नहीं दिया NRO2 तो जाके पब्लिक को बताएं नहीं दिया आपने, सारे आके लोगों को बताएं आपके किस तरह आपने लोगों को बचाया, हम बताएंगे कैसे बचाया आपने। मैं एज प्राइम मिनिस्टर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने एहतसाब होने नहीं दिया। आपने वो जब फैटफ की लेजिस्लेशन थी, तो वो खुद कह रहे हैं हमें, वो अपोजिशन वाले, कि ये तो जनाब ये बैठ के उन्होंने आपकी आशीर्वाद मिली थी, उसके बाद आपने वो NRO के ये जो अमेंडमेंट थी नैब की जो अब हो गई, ये तो तब होने के चक्कर में थे, तब हम खड़े थे। और मैं तब से कहता गया कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। कोई दुनिया में मुल्क आज तक तरक्की नहीं किया जिसके ताकतवर डाकू उनको आप छूट दे दें और सिर्फ कमजोर लोगों को पकड़े। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ये मुल्क आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैं आखिर में बात भी करता हूं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो हम अब क्या प्लान बनाएंगे इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का जो इन्होंने फंसाया हुआ हमें। अब मैं जो अगली बात करना चाहता हूं वो ये,
कि हमने आपस में मुशावरत की। मैंने पहले कोशिश की कि हमारी जो मार्च है, आजादी मार्च, हकीकी आजादी की मार्च, हमारी कोशिश ये थी कि हम इनको, गवर्नमेंट को बताएं कि इस वक्त कौम किधर खड़ी है। लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हमारे साथ आजादी मार्च पे, और सब एक ही चीज चाह रहे हैं, इलेक्शन। आज ओपिनियन पोल है कि 70% पाकिस्तानी, सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानी कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। हमने आजादी मार्च भी यही की, हमने गवर्नमेंट को के एक आइन के अंदर रह के हमने उनको प्रेशर डालने की कोशिश की कि देखें ये आवाम इधर खड़ी हुई है, और आप सिर्फ के जी हमारे करप्शन के केसेस माफ हो जाए या नवाज शरीफ को पाक कर दें और फिर वो कोई नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ जाए और इसके लिए मुल्क डूबता जाए, लेकिन आपको सिर्फ एक ही करप्शन का पड़ा हुआ था। मैं सिर्फ एक आपको चाहता हूं कि क्लिप जरूर देखें। ये जिस दिन, दो दिन पहले, यानी मैं ऑफिस से गया 9 अप्रैल को, ये 8 अप्रैल को, इस पिछली अप्रैल को मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड आवाम से खिताब किया था। मैं सिर्फ चाहता हूं ये आप देख लें कि ये नहीं कि मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, या ये जो हुआ है ये हमें पता नहीं था, ये होना था। और इसके ऊपर मैंने दो दिन पहले, इक्तदार छोड़ने से पहले, ये जरा क्लिप जरा देख लें। इसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था, इनको सारों ने, इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशरफ ने जो NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वह असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा, और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था, इनको सारों ने, इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशरफ ने जो NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वह असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा, और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था, इनको सारों ने, इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशरफ ने जो NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वह असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने। इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो सारे जमानत के ऊपर है, डर किस चीज का, इनके सारे केसेस आने लगे हैं सामने, तो वो जल्दी जल्दी हटाना चाहते थे कि किसी तरह ये अपने केसेस से निकल जाए। अब ये सारा ये जो मुद्दा इकट्ठा हो जाएगा, और सिर्फ एक मसला, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 बना था, इनको सारों ने, इन्होंने मिलकर जो चोरी की, जनरल मुशरफ ने जो NRO दे दिया, अब ये NRO 2 होगा। इनका मकसद सिर्फ ये है कि वह असेंबली में आए। सबसे पहला ये काम मैं आज आपको कह रहा हूं, इन्होंने नैब को खत्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस खत्म करने। इस वक्त हालात ये हैं कि ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा था कि हमें सब पता था ये क्या हो रहा है। मुझे ये साजिश का पूरी तरह पता था, मुझे मेरे हटने से 1 साल पहले का अंदाजा हो गया था कि ये शहबाज शरीफ को तैयार किया जा रहा है लाने के लिए। इसके बावजूद कि उसके पास 16 अरब रुपए उसके और उसके बच्चों के ऊपर FIA केस थे, और 8 अरब रुपए के नैप के केस थे, तो मुझे ये सारा पता था ये हो रहा है। और मुझे अफसोस की बात ये है कि मैं जब भी पूछता था जनरल बाजवा से, तो हमेशा कहते थे कि नहीं, हम तो किसी सूरत हम ऐसा नहीं कर सकते, हम तो कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ, वो आ गया, शहबाज शरीफ आ गया, और आपके सामने जो मुल्क के अब हालात हैं, आप सब सारी कौम के सामने। मेरा पॉइंट ये है आज कि मैं अभी आखिरी जो अभी अनाउंसमेंट जो करने लगा हूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या कोई इसका जवाब देगा
कि अच्छी बली गवर्नमेंट चलते हुए उसको गिरा के इन चोरों को ऊपर ले आए। और मेरा अगला सवाल यह है कि उसके बाद जो हमारे ऊपर सख्तियां की गई, जो सोशल मीडिया पे, जो मीडिया जो हमारी हमायत करता था, केसेस की मेरे ऊपर बारिश हो गई, मुझे दहशतगर्दी का केस करवा दिया। 25 मई को पुलिस ने जिस तरह हमारे ऊपर जुल्म किया, और जब हम पुलिस वालों से पूछते थे वो कहते जी हमें पीछे से ऑर्डर है, जिस तरह का हमारे ऊपर जुल्म किया गया, मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या हम भेड़ बकरियां हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं कि आप जब फैसला करें पहले आप, और मैंने आपके कानों से, जनरल बाजवा के कानों से सुना कि ये करप्ट है, अब आपने फैसला किया कि ये ठीक हो गए, और आपने फैसला किया कि जनाब ये आप मुल्क को ठीक करेंगे, तो क्या हम वो कीड़े मकोड़े हैं कि जिधर आप भेड़ बकरियों को धकेलेंगे हम उधर चले जाएंगे? यानी हम इंसान हैं या हम जानवर हैं कि जो आपका फैसला हो बंद कमरों के अंदर हम उसी के ऊपर चल पड़े? और आपको जब नजर भी आ रहा था कि पाकिस्तानी कौम इनको रिजेक्ट कर रही है, हमें तो हमारे साथ मेरा तो फायदा करवा दिया, मुझे तो अल्लाह ने कभी इतनी इज्जत दी नहीं जो इसके बाद मिली है, लेकिन मुल्क को किधर पहुंचा दिया आज? और मैं क्या ये पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि पहले ये लूटेंगे, अब इनके बच्चे तैयार हो गए लूटने के लिए, क्या अब हम उनको लेके आएंगे? और अगर हम उनके खिलाफ जाएंगे और हम उनको रेजिस्ट करेंगे तो हमें फैटा लगाया जाएगा, हमारे पर केसेस किए जाएंगे, हमें डराया जाएगा। मुझे अभी भी कह रहे हैं कि जी आप अगर ये आपने गवर्नमेंट छोड़ दी तो आपके ऊपर बड़ा जुल्म होगा, आपकी प्रोटेक्शन चली जाएगी। जब मैं जा रहा था, मैं आज अपनी कॉप को बताना चाहता हूं कि जब मैं जा रहा था मार्च के ऊपर, सबको, मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को पता है, मैंने सबको कहा था कि इसमें वारदात होगी, मेरे खिलाफ मेरी जान को खतरा है। मैंने टीवी के ऊपर जाके उससे पहले बताया था कि ये दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करेंगे। हर रोज जब मैं मार्च पे जाता था और मैं बुशरा बेगम को खुदा हाफिज कहता था, मैं तो उनको सलाम करता हूं कि उनको पता होते हुए कि मेरी जान खतरे में थी, उसके बावजूद वो मुझे कहती थी कि नहीं जाओ, ये जहाद है, ये अल्लाह के लिए आप काम कर रहे हैं। कोई अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता पैसे के लिए या इक्तदार के लिए, कोई जिंदगी खतरे में नहीं डालता जहाद के लिए। जब आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तब आप पता होते हुए कि आप जिंदगी खतरे में, उसके बावजूद जाता था मैं। और मैं जैसे ठीक होऊंगा इंशाल्लाह, जैसी मैं चलने के काबिल होऊंगा, मैं फिर निकलूंगा बाहर, क्योंकि यह अल्लाह का काम है। अपनी कौम को हकीकी तौर पर आजाद करना ये अल्लाह का हुक्म है। हमें जुल्म और नाइंसाफी के साथ सामने खड़ा होना ये ऊपर वाले का हुक्म है, इसको वो जहाद कहता है। अमर बिल मारूफ पे चलना कि जब आप देख रहे हैं ये सारे चोरों का टोला ऊपर बैठ गया है और आप चुप करके बैठे रहे भेड़ बकरियों की तरह, ये आप कुरान का जो अल्लाह का हुक्म है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो ये जहाद है, तो मैंने तो ये रुकना नहीं है। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, मैं नौजवानों आपको कह रहा हूं, ये कभी ना सोचे जो ये 7.5 लाख हमारे लोग मुल्क छोड़ के गए हैं। मुझे अफसोस है कि देखिए आसान रास्ता है, मेरे लिए क्या, मेरे लिए क्या आसान जिंदगी थी, मैं क्रिकेट के बाद कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट के ऊपर बातचीत करता हूं, अल्लाह ने मुकाम इतना दिया हुआ है मैं करोड़ रुपया कमा सकता हूं, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है। जानवर आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, खा पी के मर जाते हैं, तो इंसान भी अगर उसका कोई, उसको अब समझ ही ना आए कि अल्लाह ने हमें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, तो उसमें जानवरों में क्या फर्क रह जाता है? वो जब कुरान की आयत है कि जब इंसान फरिश्ते से भी ऊपर चला जाता है लेकिन गिरता है तो जानवर से भी नीचे चला जाता है। तो मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं कि देखिए हमारे सामने अब दो रास्ते हैं, हम इन चोरों के टोलों को मान लें तो हम अपनी तबाही कर रहे हैं, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक ही रास्ता है कि हम जद्दोजहद करें। मैं वहां जब गया पिंडी पहुंचा और मैं उस वक्त बड़ी तकलीफ में था, मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था अभी नहीं आप ट्रैवल कर सकते, मैं गया उसके बावजूद सिर्फ अपने लोगों को खड़ा करने के लिए कि देखें
ये पाकिस्तान के लिए एक फैसला कुन वक्त है, इसको जाया ना होने दें। कौम में बेदारी आ गई है और मैं वहां दो में चीजें कर सकता था, हम वहां धरना भी दे सकते थे, लाखों लोग थे, हम वहां इस्लामाबाद के ऊपर भी जा सकते थे, इतने लोग थे, हम इस्लामाबाद में खून खराबा होना था वहां। और कई दफा लोग चाहते हैं कि खून खराबा हो, लाशें गिरें, ताकि वो जनाब वो उनकी तहरीक और उठ जाए। मैं ये नहीं चाहता था, मैंने इस सारी स्ट्रगल आइन और कानून के बीच में है, मैं कभी इससे बाहर नहीं निकला। और मैंने इसलिए फैसला किया कि बजाय हम वहां जाए और तोड़फोड़ हो और तबाही हो, मैंने फैसला यह किया कि हम जो दो असेंबली अब कुर्बान करते हैं अपनी दो असेंबलियों को, हम कुर्बान करते हैं अपने मुल्क के लिए, और इसलिए करते हैं कि इनको जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, जब हम इन दो असेंबलियों से निकलेंगे, जो मैं भी बताने लगा हूं कब निकलेंगे, 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, तो अकल तो यह कहती है कि आप जनरल इलेक्शन करवा दें। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, ये खौफजदा हैं, इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं, इनका कोई पाकिस्तान का मकसद नहीं कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इनका मकसद एक है, कैसे अपना चोरी का पैसा बचाना है इन्होंने, और इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, और इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इलेक्शन करवाएंगे। और मैंने अपने सारे वकीलों से पूछ लिया, ये कोशिश भी करेंगे इलेक्शन कमीशन के जरिए कि यह किसी तरह डिले हो जाए, आइन बिल्कुल इजाजत नहीं देता 90 दिन के आगे। हमने फैसला किया है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने दोनों चीफ मिनिस्टर्स का कि इन्होंने बिल्कुल मेरे साथ चले हैं, मेरा साथ दिया है। हमने फैसला यह किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे, और उसके बाद हमारी जो 123 सीटें हैं इस वक्त नेशनल असेंबली में, हम वहां जाके नेशनल असेंबली में जाके स्पीकर के सामने हम वहां खड़े होकर कहेंगे कि हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करो। ये ड्रामे ना करो कि चुन चुन के 8 जो इन्होंने पहले हमारे साथ किया था, इन्होंने बजाय हमारे बाकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के, इन्होंने 8 सीटें चुनी। ये जो बड़ा करप्ट, यानी मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन है, इसने नवाज शरीफ के साथ बैठ के 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमजोर सीटें थी, जिनमें बड़ी कम मार्जिन से हम जीते थे, और जिधर पीडीएम का वोट दुगना था हमारे से उस इलेक्शन के अंदर। अब ये अवाम देखे किधर, आज एक बाशऊर अवाम है, बेदारी आई हुई है हमारी कौम में, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं, मैं 8 सीटों पर लड़ा, पता होते हुए कि मैंने असेंबली में नहीं जाना, उसके बावजूद मेरी कौम ने मुझे 8.5 की 8 सीटों पे जताया, 7 सीटों पे जताया, और एक जो कराची के अंदर सीट थी, जरा वहां देख ले वो इलेक्शन कमीशन को वो धांधली नहीं नजर आएगी जिस तरह इन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की और वोट बाहर फेंक दिया, जो हर बार इस्तेमाल करता है। तो हमने यह फैसला कर लिया। मैं अपनी कौम को आखिर में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि देखिए, मायूसी गुनाह है, आप मायूस होकर घर बैठ जाएं या आप बाहर टिकट लेके किसी और मुल्क में चले जाएं और कोई नौकरी मिल जाए, ये मेरी नजर में ये एक इंसान अपनी जो ड्यूटी है माशरे को उससे भागता है। असल आप सबकी ड्यूटी ये है कि हम आप खड़े हों और हम इन चोरों का और इस करप्ट निजाम का मुकाबला करें, और हम करें इलेक्शन के जरिए, और इलेक्शन के जरिए इनको सबक सिखाएं आइन और कानून के बीच में रहते हुए। मैं नहीं चाहता कि यह श्रीलंका जैसा सिचुएशन हो कि लोग सड़कों के ऊपर आ जाएं और तोड़फोड़ हो। मैं चाहता हूं कि हम इलेक्शन के जरिए इनको शिकस्त दें, और इनको ऐसी शिकस्त दें कि यह हमेशा के लिए इन चोरों का नामो निशान यहां से चला जाए। और वो तब होगा जब आप सब इसको अपनी जिम्मेदारी लेके निकलेंगे। और मैं आपको आखिर में यह कहना चाहता हूं कि मायूसी जो है, मैं 3.5 साल गवर्नमेंट में रहा, इसके बावजूद कि बैंकक्रप्ट गवर्नमेंट मिली, इसके बावजूद कि हमारे पास तजर्बा ही नहीं था बिल्कुल, हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए थे, एक के बाद दूसरा क्राइसिस था,
सदी में एक दफा कोरोना जैसा क्राइसिस आता है, वो ऊपर से आ गया, दो साल वो रहा, उसके बावजूद पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने कहा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स को तो अमेरिकन डॉलर्स मिले, हमें तो कोई डॉलर्स ही मिले, सबसे बेहतरीन हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी इस सब के बावजूद। अब हम समझ गए हैं, मुझे तीसरे और चौथे साल में पूरी समझ आ गई कि ये गवर्नमेंट चलती कैसे है। मैं आखिर में सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मायूस ना हो, मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल फैसले इनके नहीं कि कीमतें बढ़ाते जाओ और कहो जी मुश्किल फैसला है। मुश्किल फैसले का मतलब मुल्क के इदारों को रीस्ट्रक्चर करें, इस मुल्क के अंदर इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ कायम करें। अगर अल्लाह भारी अक्सरियत देता है तो तब आप ये सब कुछ कर सकते हैं, इस मुल्क में इस्लाहत कर सकते हैं, इदारे ठीक कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट कैसे चलती है, इतनी बड़ी हमने गवर्नमेंट बना दी है और वो हमें आगे निकलने नहीं देती, हर जगह रुकावटें बन गई हुई है और वो हमने काफी चेंज भी किया। एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ाई, कैसे हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है उसका हमने प्लान बनाया हुआ है। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को कैसे खड़ा करना है जो असल रोजगार देती है और दौलत में इजाफा होता है। अपनी एग्रीकल्चर जो जरात है, हमने चाइना से बात कर चुके थे कि नई टेक्नोलॉजी हम लेके आए, बदकिस्मती से कोरोना की वजह से दो साल चाइना बंद हो गया। वो जो नई टेक्नोलॉजी से हमने सिर्फ अपनी, अगर हम वो छोड़े कि जो चाइना के अंदर वो पैदावार लेते हैं एक एकड़ से, हम अगर अपनी दुगनी कर लें तो आप ये समझे कि पाकिस्तान के अंदर एक इंकलाब आ जाएगा। सो मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि कोई मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये टूरिज्म में ही हम इतना पैसा बना सकते हैं और वो भी बदकिस्मती से कोरोना की वजह से टूरिज्म सारी दुनिया में बंद होगी। हम इस मुल्क को उठा सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट उठाएगी जिसके पास एक मैंडेट हो, जिसके पास अवाम की ताकत हो, और इस अल्लाह के बाद इस मुल्क के जो वारिस है वो अवाम है और कोई नहीं, अवाम इस मुल्क की वारिस है और मैं उनमें आप में से हूं। हमने इस अवाम ने एक कौम बन के हमने इस मुश्किल वक्त से निकलना है, और लेकिन वो निकलेंगे तब जब इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और उसके लिए हमारी अब जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि फिर से आप मेरी कॉल पे आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।